बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आपका दिन आज बहुत अच्छा जाए। और आज यहाँ पे है मम्मी। मम्मी गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। पापा जी, मम्मी एंड पापा जी। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? प्रियंका अपनी नानी के यहाँ जा रही है, कोडरमा, चुमरी तिलैया, जिसका आपने नाम सुना होगा। तो आज मैं अपनी नानी से मिलने जा रही हूँ। आरुषि अपनी नानी से मिल ली और अब मैं अपने ननिहाल जा रही हूँ। नानी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो हमने सोचा चलो जाके मिल के आते हैं। तो मैं, मम्मी एंड पापा जी, हम तीनों जा रहे हैं चुमरी तिलैया। झुमरी तिलैया में देखने लायक बहुत जगह है, घुमाएंगे दिखाएंगे, आपको आनंद आएगा। झुमरी तिलैया हर बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में, सब में झुमरी तिलैया के ऊपर जोक्स भी होते हैं, गाने भी होते हैं। तो कई लोग ये सोचते हैं कि झुमरी तिलैया ऐसे ही एक नाम है, लेकिन झुमरी तिलैया सच में एक जगह का नाम है। और मैं तो बचपन से अपने ननिहाल वहीं जाती थी, तो वो झुमरी तिलैया सच में एक जगह का नाम है झारखंड में, और आज हम वहां जा रहे हैं। हम सब सुबह नाश्ता करके निकले थे और ये देखिए मम्मी अब सो गई है और मम्मी पापा जी के गोद में आराम से सो रही है। अब हम बीच में रुके हैं और ये है लस्सी। मैं और पापा जी, हम दोनों एक ही ग्लास लेके इसे शेयर कर रहे हैं, हाफ हाफ। और ये रहे पापा जी, वो भी लस्सी पी रहे हैं। हम तो लस्सी पिए हैं और मम्मी स्पेशल पी रही है। क्या पी रही है मम्मी? फेंटा। फेंटा ये अच्छा लगता है, ये बचपन से पीती है फेंटा, है ना मम्मी? और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली या कुछ फंक्शन हो रहा है एंड इस जगह को कहते हैं झंडा चौक। तो ये यहाँ का मेन मार्केट है। अब मैं अपने नानी घर की जो गली है वहाँ आ गई हूँ और ये है हमारा घर। तो ये है मेरा नानी घर, जिसे देख के एकदम बचपन की याद आ गई है। बचपन में तो हर गर्मी की छुट्टियों में हम यहाँ आया करते थे, खूब मस्ती करते थे। ये है मेरी नानी जी और मम्मी। हाय करिए। बोलो। मेरी माँ है, 85 इनका साल हो गया। हाँ। और मैं हो गई 57 की। तो अब नानी जी से मिलने आए हैं हम लोग और ये नानी जी हैं। अब यहाँ पे मैं और मम्मी खाना खा रहे हैं और खाना बनाया है मामी जी ने, बहुत ही टेस्टी खाना है। चलिए आपको दिखाते हैं आज क्या क्या बना है। इसमें है मिस्सी रोटी, फलका, और ये है कटलेट, ये है दाल, ढोकला, स्वीट और परवल गाजर की सब्जी, मिर्ची। ये मस्त मस्त खाना हम लोग खा रहे हैं। मम्मी इज ईटिंग हर फूड। और ये नानी जी है, ये भी खा रही है खाना और ये खाना बना रही है। इन्होंने बनाया है यम्मी यम्मी खाना, इतनी सारी चीजें बनाई है। अब आ गए। और ये है मामी जी और ये है खुशी एंड बाबू। और बाबू सबसे लंबा हो गया है, इसे कितने छोटे में देखे थे, अब तो ये सबसे लंबा हो गया है। ये छत है और ऊपर से आपको गार्डन दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर गार्डन बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारी सब्जियां लगी हुई है। मेरे जो नाना जी हैं उनको गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो वो हर सीजन के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो होते हैं वो लगाते हैं। तो अभी यहाँ से ऊपर से तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बट नीचे चल के हम दिखाते हैं आप गार्डन का टूर। ये सारे भिंडी के पौधे हैं और सब में भिंडी लगी हुई है। ये देखिए भिंडी कितनी हरी हरी एंड कच्ची कच्ची भिंडी है।
हाँ मेरा तो अब तो दिवाली तक चल रही है। हाँ कितनी अच्छी बढ़िया लंबी लंबी भिंडी उतरी है देखो। वाजी मैं तो बारो मना रहा हूँ। अब आर बार ठीक है, पहली वाली जो थी ना, हाँ 2-3 दिन पहले ही काट करके खत्म करी। हाँ अभी मैं छोटी छोटी लागे नहीं, खराब लग रही, अब आर नहीं होगी। ये देखिए मकई, मकई को खेत, पूरा खेत जी ही लाग रहे एकदम, मकई लाग रहे। 2-10 दिन तैयार हो जाते। हाँ मकई का खेत ही लग रहा है ये, बिल्कुल मकई का खेत लग रहा है। और हर एक पौधे में शायद एक एक मकई लगी हुई है, तो एक पौधे में एक ही मकई उगता है। और हाँ देखो लाग रहा है सीताफल, और ये देखिए सीताफल, सीताफल तो इतने सारे लगे हुए हैं, और घर के अंदर भी बहुत सारे सीताफल है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मेरा फेवरेट फ्रूट सीताफल है, मुझे बहुत पसंद है। तो नाना जी मैं डालो के केमिकल और कुछ डालो के क्या करो? देखो केमिकल वो खाद जरा वो दूंगा वो कुछ। हां खाद या कोकोनट है? कोकोनट भी लाग रहा है मां। हां कौन लाग रहा है? अभी में तो और ज्यादा लाग रहा है। मेरा रेट 200 से ये मीठो नहीं है। तो ऊपर देखिए कितने सारे कोकोनट लग रहे हैं, दो दो कोकोनट के ट्री हैं, दोनों ही भरे हैं। कड़ी पत्ता ये मीठो नहीं है। हाँ वो गाछ है सुपारी, वो बड़े सुपारी लग रही है। ये सुपारी, सुपारी जो पान में डालते हैं ना उसका पेड़ है, इसको मारवाड़ी में हम लोग तांबुल भी बोलते हैं। नींबू, वो नींबू लग रहे हैं, वो टूट के गिर तो जबरदस्ती। और ये नींबू खुद से ही गिर जाते हैं, तब तक तो ये ग्रीन ही रहते हैं, फिर आप उसको उठा के अंदर रख दीजिए एंड देन वो धीरे धीरे येलो हो जाते हैं। हाँ बरबट्टी बोड़ा, हाँ बोड़ा बोड़ा बरबट्टी बोल लीजिए या लॉन्ग बीन्स बोल लीजिए, इसको बोलते हैं यहाँ पे, ये लोग बोलते हैं बोड़ा। कच्चे कच्चे ग्रीन बोड़ा लगे हुए हैं, बरबट्टी लगे हुए हैं। सही है। एक दो दिन से तोड़ जाओ। ये आके मेथी है क्या? चिनिया बादाम। चिनिया बादाम मूंगफली। लागे का ही मन नाना जी, तो नीचे लागा करो मिट्टी के अंदर। हाँ ये अदरक, हाँ अदरक, ये अदरक के पौधे हैं। अमरूद भी लगता होगा। अमरूद एक कढ़ाई देखो जानवर में बहुत तोड़ते हैं, ऊपर चढ़ के तुम ऐसे टूटे हो नहीं। हाँ वो तोड़ आज कर मैं नीचे पक पक के गिर जाओ। हाँ सरबा लाग रहा है ऊपर, मोटी वो लाग रही है। नारंगी को गाछ है वो। हाँ वो बच्चे नारंगी लाती थी अगले साल तो बहुत लगे, मतलब बोरो भर भर के मुझे तालाब पर गई। अभी सब बच्चा होता तो कितना राजी होकर खाता, देखो कितना लाग रहे हो एकदम से। आपको अच्छा लगता है खेती करना? खेती करना अच्छा लगता है आपको? मतलब बचपन से करेला ही वास्ते माना अच्छा लगे। पूरा सब चीज लाग रहे हैं। जमीन है तो पड़ी है, बुरी भी लागे। नहीं बहुत अच्छा लाग रहा है नाना जी। एक जगह से घास है कि मायने कटाई को नहीं पूरे। पहले यहाँ पे गाय थी, तो जब नाना जी, अब नाना जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है इसलिए उन्होंने गाय भी नहीं रखी है। और यहाँ पे पहले गाय थी, अभी गाय नहीं है। पहले यहाँ पे गाय रहती थी। ये गाय का शेड बनाया हुआ है। ये बाजरो है। वो बाजरा है क्या? ये जो सिक्का देख रही है ना। हाँ वो बाजरा का सिक्का। ये बाजरा, बाजरे दा सिट्टा आपने गाना सुना होगा, और अब ये देख भी लीजिए, इसे कहते हैं बाजरे दा सिट्टा। तो अभी निकाला होगा कि नाना जी? निकाला होगा कि अब एक जानवर अच्छा तो कौन बात करेंगे, देर दिया 2-4 दाना खा लेंगे। उग्यो ये पत्थर चट्टा का पौधा है, और ये किडनी स्टोन्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। कहते हैं अगर किडनी में स्टोन्स हो तो इस पत्ते को उबाल के पीजिए तो उससे आपकी पथरी निकल जाती है। ओह यार सबरे छोड़ने वाले पक्का बन रहा है। ये देखो कान पक जाएगा, कान ये सब गच का है, हमारे घर का है सीताफल। नींबू भी घर का ही है, तो बहुत अच्छा पक जाओगे। ये देखिए नींबू भी घर का ही है, और नारियल भी घर का है, और वो तो पूरी टोकरी है। और आगे वो तुम्हारे तो देख रहे हैं। हां तो आज सफर में तोड़ दिया कि जानवर खा जाए। हां सही है, कितना बड़ा बड़ा देखो एकदम, वाह। और ये सब बिल्कुल ऑर्गेनिक है नाना जी, कोई पेस्टिसाइड या कोई केमिकल ये सब नहीं डालते हैं, पूरे ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे गार्डनिंग की जाती है।